big crowd. We do that first, and then we'll come back. Okay, I think we wait. Hold on, hold on. I think उससे बड़ी चीज ये है कि जो टीवी इंडस्ट्री है, जो फिल्म की इंडस्ट्री है, वो दोनों साथ में आते हैं और उन दोनों का मिश्रण होके ये जो स्टेज है, ये जो मंच है, उस पर सब लोग साथ में परफॉर्म करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है. और जो रिलायंस है बिग जो स्पॉन्सर कर रहा है इसको, आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. मंथली अवार्ड है, बट इट्स बीइंग डन ऑन अ वेरी बिग स्केल, व्हिच इज गुड. I don't think it's up to me to choose, because my director has written the film, so he should take the liberty to choose. I am being a diehard Kareena Kapoor fan in life also, would not mind that. Monsoon aa gayi hai. Yaadein hai, bahut yaadein hai actually. School ke waqt, I think jab kuch zyada barish ho jati hai and sometimes you have school, तो वो लोग मिडवे स्कूल कैंसिल कर देते हैं, लाइक गो होम. सो मैं बहुत खुश हो जाता था कि बारिश हो रही है, चलो घर चलते हैं. सो इट वाज, हाँ, झगड़े के बारे में. इट्स कम्प्लीटली फॉल्स, आई थिंक किसी ने ये खबर फैलाई है, मैं भी नहीं जानता हूँ. तो कभी कभी मेरे और सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कभी कभी प्यार करा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करा देते हैं. बट फॉर द रिकॉर्ड, ही इज़ वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स एंड he's one actor that I would love to work with in the future. Sarojini ke kapde pehen ke jati madam disco, VIP mein complimentary shots bhi de do isko, isko gaadi chahiye lambi, isko music chahiye loud, ye jati mehenge club mein jaha hota dhang ka crowd. Ludhiane se aayi ladki university padhti hai, kehti to hai student hai, but I doubt, but he actually student. Taliya. Aliya. किसके किसके, हाँ जी, मेरा भी टैटू है. भूल नहीं दिखाना, देख लो. सेम दिख रहा है, भूल गई है, देख लो. हाँ, ये काफ़ी भरी हुई पिक्चर है टैटूओं के साथ, कुछ छुपे हुए, कुछ ऐसे रिवील हो रहे हैं. बट वो सैटरडे सैटरडे में, हाँ, वो रॉक ड्वेन जॉनसन का टैटू है, उससे प्रभावित होके वो रखा है.
कॉपी नहीं, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे. एंड आई थिंक अगर किसी का भी हक है उनसे इंस्पायर होने का या उनको फॉलो करने का इधर, तो मेरा है क्योंकि मैं बहुत बिगनिंग से बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ. ये नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ. एंड इनफैक्ट जो मतलब बोले वही रोड टू मी उनसे. सो या नहीं, ये परमानेंट टैटू नहीं है. एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा है मुझसे कि प्लीज परमानेंट करवा दो, बहुत अच्छा लगता है आप पे. बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं. पटाखा मैं एक्चुअली जो गाना भी आया था उसका फटाका गुड्डी, और अभी इसमें भी फटाका है, तो आई थिंक मेरा इनपे बहुत सूट होता है. मेरा कनेक्शन फटाके के साथ है, इसका कनेक्शन शनिवार के साथ है. अगर आपको कोई परमानेंट टैटू करवाना होगा तो वो क्या होगा, जैसा है कि कुछ करवाने से ताजिया क्या है? गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मैं कभी लाइफ में आई डोंट थिंक मैं टैटू करवाऊंगी, बट ओनली व्हेन आई एम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग, क्या मैं वेरी डियर टू मी, तब मैं शायद टैटू करवाऊंगी. अभी तो अगर मैं सोच रही हूं तो आई कैन जस्ट लाइक थिंक ऑफ लाइक गेटिंग माय मॉम डैड माय सिस्टर्स लाइक इनिशियल्स और माय कैट्स नेम और समथिंग लाइक दैट, दैट्स समथिंग वेरी डियर टू मी. बट फिर भी मैं इतना ज्यादा आई डोंट गिव अ थॉट टू इट. आपको आप बताओ एक जोक. एक जोक आप सुना दो इधर. मेरा एक जोक पीपा. हाँ नहीं मैं पीपा के साथ ट्रेन कर रही थी अपेरेंटली. पीपा जो मेरे ऊपर बंदे थे मैं बहुत एक्चुअली हर सुबह जब हम लोग मिलते हैं शूटिंग करते हैं, सो हम लोग मिलके मैं उनको एक जोक सुनाता हूँ या बताता हूँ. बट शी इज वेरी वेरी इनकरेजिंग अबाउट दिस थिंग्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम बात तो करे ना कोई मेरे बारे में.